हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण तिवारी निर्णय एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, टेट के लिए हम लोग इन्वायरमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रदूषण। प्रदूषण में इसके पहले का जो वीडियो था वो आपके पास जा चुका होगा और आपने पढ़ा होगा। कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा होगा? प्रदूषण में वायु प्रदूषण कंप्लीट कर लिया आपने, वायु प्रदूषण आपने कंप्लीट कर लिया। और वायु प्रदूषण के बाद जो नेक्स्ट आपका पार्ट होगा वह है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, अब अगर हम बात करें जल प्रदूषण किसे कहते हैं, तो जल की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक संरचना में बदलाव करना ही या बदलाव हो जाना ही क्या है जल प्रदूषण है। नदी में जल है, अब जो जल की संरचना है इसमें बदलाव हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? जल प्रदूषण। अब अगर बात किया जाए हम लोग कि अगर बात करें जल प्रदूषण की, कि जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण है, खास तौर से अगर हम बात करें किसका, नदी जल प्रदूषण का, तो नदी जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपका सीवेज सिस्टम। शहरों का सीवेज जो है, जो कचरा है, कचरा युक्त जो जल है, सीवर लाइन के माध्यम से होते हुए नदियों में चला जाता है और यह जो जल है यह प्रदूषण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। अब अगर हम बात कर लें कि भूमिगत जल का प्रदूषण, भूमिगत जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक कौन सा तत्व उत्तरदायी है भूमिगत जल, तो उसके लिए है आर्सेनिक और फ्लोराइड। आर्सेनिक और फ्लोराइड यह क्या है? भूमिगत जल प्रदूषण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। अगर आपसे नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण पूछेगा तो सीवेज लगाएंगे, और अगर आपसे क्या पूछा जाएगा, यदि आपसे पूछा गया कि भूमिगत जल प्रदूषण के लिए कौन सा केमिकल या कौन सा अजैविक तत्व उत्तरदायी है, तो उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा आर्सेनिक और फ्लोराइड। अब ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक कचरे भी उत्तरदायी हैं नदी जल प्रदूषण के लिए, खासतौर से आप जो ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब या फिर और जो जल स्रोत हैं, नदी कुआं, ये जो जल स्रोत हैं उनके प्रदूषण का बड़ा कारण यह है कि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का जो प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है वह भी इसके लिए उत्तरदायी कारण रहे हैं। यानी आर्सेनिक एवं फ्लोराइड भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। किसके लिए? जल प्रदूषण के लिए। अब अगर हम बात कर लें कि जल प्रदूषण से क्या प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर जल प्रदूषण के प्रभाव की बात किया जाए तो जल प्रदूषण का जो इम्पैक्ट होगा वह क्या होगा, तो नंबर एक जो इम्पैक्ट होगा, अगर पेयजल प्रदूषित है तो उससे कौन कौन सी बीमारी होगी, तो पेयजल के प्रदूषण से पीलिया, टाइफाइड, अतिसार, जिसको पेचिस भी कहते हैं, अतिसार, हैजा या कॉलरा जिसे कहा जाता है, ये सब बीमारियां क्यों होती हैं? प्रदूषित जल को पीने से। अब अगर हम बात कर लें कि जो जल प्रदूषण है उसमें यदि जल में पारा की अधिकता हो जाए, तो कौन सी बीमारी? मिनीमाटा बीमारी। यदि जल में कैडमियम की अधिकता हो जाए, तो कौन सी बीमारी? इटाई। यदि जल में
यदि जल में किसकी अधिकता हो जाए, नाइट्रेट की अधिकता हो जाए, नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो कौन सी बीमारी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर किसका, अगर जल में नाइट्रेट के बाद में आर्सेनिक की अधिकता हो जाए, यदि जल में आर्सेनिक की अधिकता हो जाए तो ब्लैक फुट, यदि जल में तांबा की अधिकता हो जाए तो तांबा, कौन सी बीमारी, विल्सन नामक रोग। यानी जल प्रदूषण के कारण से ये बीमारियां होती हैं। क्लियर है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है यूपी स्टेट के एग्जाम में कि भारत में सर्वाधिक जो भूमिगत जल में आर्सेनिक की अधिकता है वह कहाँ पे है, तो आपका आर्सेनिक की अधिकता पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है। यदि जल में फ्लोराइड की अधिकता हो जाए तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी। फ्लोराइड की अधिकता हो जाए तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। यानी ये ध्यान दीजिएगा, ये सब परीक्षा में टेट के एग्जाम में बराबर आते रहे हैं, जो नहीं आए हैं वो आएंगे आगे। क्लियर है? अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ पर है, किस भूमिगत जल में आर्सेनिक की अधिकता है, तो कलकत्ता के यानी वेस्ट बंगाल के जल में सबसे ज़्यादा है। आर्सेनिक या फ्लोराइड की यदि अधिकता हो जाएगी तो मनुष्य की हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। फ्लोराइड की अधिकता से दांत सब झड़ जाएंगे, बाल सब झड़ जाएंगे, युवावस्था में वृद्धावस्था आ जाएगी, ऐसी स्थिति ज़्यादा दिखाई देती है। क्लियर है? अब अगर हम बात कर लें कि भारत में जो सर्वाधिक, भारत में जो गंगा नदी प्रदूषित नदियों में एक है, तो प्रदूषित नदी में भारत में जो सबसे ज़्यादा गंगा नदी में प्रदूषण है वो कहाँ से कहाँ तक, तो कानपुर से लेकर के इलाहाबाद के मध्य में गंगा नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। गंगा नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए 1985 ईस्वी में क्या किया गया, 1985 में आपका एक केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किया गया और इसी के तहत ही गंगा एक्शन प्लान आपका शुरू किया गया। बाद में गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए क्या किया गया, एक कार्य और भी हुआ, गंगा नदी स्वच्छ हो जाए, और इसीलिए नमामि गंगे योजना की भी शुरुआत किया गया। नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुआ, और ये आपका कैसे हुआ, यानी गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए। अब अगर हम बात ये कर लें कि गंगा नदी या किसी भी नदी या किसी भी जल की जो आपका प्रदूषण है उसको मापने के लिए हम कैसे मापते हैं जल प्रदूषण को, तो हम कैसे मापेंगे, BOD के माध्यम से मापा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी अगर देखिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, आप इमेजिन करिए नदी का पानी प्रदूषित है, तो नदी का अगर पानी, कचरा उसमें ज़्यादा है, वेस्टेज ज़्यादा है, प्रदूषण है, तो उसमें रहने वाले जीव ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, तो ज़्यादा करेंगे। इसका मतलब है जो BOD जिसका जितना ज़्यादा होगा वह नदी उतना ही ज़्यादा प्रदूषित होगी। BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा, इसका मतलब प्रदूषण भी ज्यादा। एग्जैक्ट है? अब अगर हम बात कर लें कि पानी की शुद्धता को मापा कैसे जा सकता है,
पानी की शुद्धता को मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीओडी का हम प्रयोग करेंगे। अगर बीओडी घट रहा है इसका मतलब पानी साफ हो रहा है, अगर बीओडी बढ़ रहा है इसका मतलब पानी प्रदूषित हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, पानी को स्वच्छ करने के लिए क्या किया जा सकता है, नदी के जल को स्वच्छ करने के लिए हम जलकुंभी का इस्तेमाल सीमित स्तर पर कर सकते हैं। यह बात अलग का है कि नदी का जो प्रदूषित जल होता है, नदी का प्रदूषित जल तो उसे हम जलकुंभी से दूर कर सकते हैं, बट जलकुंभी को पश्चिम बंगाल का आतंक कहते हैं। पश्चिम बंगाल का टेररिस्ट किसे कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं। यह बात अलग है कि वहाँ के लिए वह हानिकारक हो चुका है, लेकिन यदि हम सीमित स्तर पर उसका प्रयोग करें तो वो हमारे लिए लाभप्रद भी हो सकता है, लाभप्रद भी हो सकता है। क्लियर है? अर्थात कहने का तात्पर्य यह तो हो गया जल को मापने के। अब अगर हम लोग बात यह कर लें कि जो जल प्रदूषण है, खासतौर से पेयजल जो प्रदूषित है उसको कैसे साफ किया जाए, पेयजल को शुद्ध करने का जो तरीका होगा कि पहले तो उसको उबाल करके इस्तेमाल कर लीजिए। यदि जल में अशुद्धियां ज़्यादा हैं, अशुद्धियों को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसमें फिटकरी डाल दीजिए। अशुद्धियां क्या होगा, उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, क्लॉटिंग करके उसका भार ज़्यादा तो नीचे वो बैठ जाएगा। एग्जैक्ट, यदि उसमें बैक्टीरिया ज्यादा हैं तो उसको क्या करिए, क्लोरीन डाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए क्लोरीन, वायरस को समाप्त करने के लिए क्या ओजोन गैस या फिर अल्ट्रावायलेट रेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणों का भी हम इस्तेमाल यदि पानी में वायरस है तो। एग्जैक्ट, ध्यान दीजिएगा, दामोदर नदी एक ऐसी नदी है, दामोदर नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी भी कहा जाता है। जैविक मरुस्थल नदी किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। नदियों में अगर मान लीजिए प्रदूषक बढ़ रहे हैं, प्रदूषक तत्व बढ़ रहे हैं, अर्थात प्रदूषक बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि क्या मतलब निकलेगा कि उसमें फास्फेट के तत्व तो ज़्यादा होते जा रहे हैं। फास्फेट यदि जल में बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि उसमें प्रदूषण बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जल प्रदूषण को दूर करने के लिए हम लोग सीमित स्तर पर जलकुंभी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड स्तर पर ही। ठीक है, ये तो आपका जल प्रदूषण से संबंध में हो गया। जल प्रदूषण, क्योंकि आज दुनिया में सोचिएगा कि जल प्रदूषण की स्थिति थोड़ी भयावह इसलिए है कि जल हमारे देश में बहुत सीमित मात्रा में, पूरी दुनिया में सीमित मात्रा में है। जल को बच सेव करना बहुत आवश्यक है। दुनिया में जैसा कि आपको पता होगा कि जल तो है 71% जल है, 29% भाग स्थल का है, लेकिन जो 71% भाग जल का है उसका अगर 97% जल कैसा है, समुद्री जल है। केवल 0.6% जल ही हमारे पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए वह जल तुलना में क्या है, कम लाभप्रद है। वह तो जल तुलना में कम लाभप्रद है, इसलिए क्या किया जाना चाहिए, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल को बचाए रखने का, जो भूमिगत जल है वही हम लोग पीने का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, जो जल दुनिया में है समुद्री जल के बाद सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस जल का है, तो समुद्री जल के बाद जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वह किस जल का है, तो वह जो जल है वह कौन सा जल, तो जो वह जल है वह आपका है ग्लेशियर के रूप में जल है, समुद्री जल के बाद ग्लेशियर के रूप। तो ये तो आपका क्या हो गया, आपका जल प्रदूषण हो गया। अब अगर हम लोग बात कर लें थोड़ा सा, अब अगर हम लोग बात कर लें तीसरे पार्ट की, तीसरा पार्ट कौन सा होगा, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में हरित क्रांति के बाद बड़े स्तर पर रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा। कृषिगत उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम सभी ने रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशक प्रयोग
कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया, जिसके कारण से मिट्टी में जो उत्पादक तत्व थे ह्यूमस, वह तेजी से नष्ट होते चले गए। आज स्थिति क्या हो गया कि रासायनिक उर्वरकों के कारण से मिट्टी लगभग बंजर सी होती जा रही है, बंजर सी होती जा रही है, यानी ह्यूमस की मात्रा लगातार घटती जा रही है। मृदा प्रदूषण का एक कारण तो यह है कि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग तेजी से बढ़ा। इसके साथ में मृदा प्रदूषण का एक झूम खेती जो किया जा रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि जो किया जा रहा है, इसके कारण से हम तेजी से वनों को जलाते हैं और बर्जना करके जो खेती करते हैं उसे झूम खेती कहते हैं, क्योंकि वृक्षों की कटाई तेजी से होता है। यानी वनों का अगर उन्मूलन तेजी से बढ़ेगा तो तेजी से क्या होगा, मिट्टी कमजोर होगी और मिट्टी कमजोर होने के कारण से वह भी एज ए मृदा प्रदूषण का कारण होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर मिट्टी क्या हो जाए, पशुओं की चराई हो, वनों की कटाई हो, इससे मिट्टी लगातार ढीली होगी, कमजोर होगी, और उससे अगर बारिश के बाद लगातार क्या होगा, मृदा अपरदन भी बढ़ जाएगा। भारत में अगर बात किया जाए, भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन की स्थिति कहाँ पे है, तो भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन मालवा के पठार पर है। मालवा का पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, यहीं पर सबसे ज्यादा चंबल की घाटी में सर्वाधिक मृदा अपरदन अगर मान लो हो रहा है मिट्टी का, तो मिट्टी के ऊपरी वाले लेयर में ही तो पोषक तत्व हैं, और वो पोषक तत्व बारिश में क्या हुआ, बह के निकल गए, अर्थात मृदा की उपजाऊ क्षमता कम होती जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मृदा अपरदन भी कई लेयर का होगा, एक सामान्य ऊपरी परत केवल बह जाए तो चलेगा, लेकिन अवनालिका अपरदन हो जाए तब तो वह बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, मृदा अपरदन को किसानों की मृत्यु भी कहा जाता है। मृदा अपरदन को अब बात करें हम लोग, मृदा अपरदन को